और इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेस मार्क वालों को दोबारा परीक्षा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुड न्यूज के माध्यम से ग्रेस मार्क वालों की दोबारा परीक्षा होगी। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, ग्रेस मार्क्स वालों को दोबारा परीक्षा करने की जो अनुमति मिल गई है, और नीट में जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनकी दोबारा परीक्षा होगी। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा परीक्षा। और दो दिन से लगातार जो है धरने पे बच्चे बैठे हुए जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और उसका जो है ये फल निकल कर आया कि ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनकी दोबारा परीक्षा जो है वो होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेस मार्क्स वालों के लिए दोबारा परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा, और ग्रेस मार्क्स वालों के लिए दोबारा परीक्षा जो है वो ली जाएगी। नीट में धांधली के मामले में जो आरोप आए थे उस पर ये इस वक्त का बड़ा फैसला कि ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा जो है वो की जाएगी। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो है तीन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, और एनटीए दाखिल करेगा अपना जवाब, लगातार जारी है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, ग्रेस मार्क्स वालों के लिए जो है दोबारा परीक्षा जो है वो की जाएगी। नीट परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा था, तमाम तरह की लापरवाही को लेकर छात्रों के माता पिता जो हैं वो एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। और उस बीच ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे नीट की परीक्षा में, उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इस बीच दो दिन से लगातार जो है ये गहमा गहमी चल रही थी, और तमाम जो है सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे कि कैसे बच्चे, ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो परीक्षा देंगे। और उस पर अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनकी दोबारा परीक्षा जो है वो ली जाएगी। तो जिनके अच्छे नंबर भी आए हैं तो वो दावे के साथ नहीं कह सकते कि उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा। अदालतों में नीट परीक्षा को लेकर जनहित याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। और इस बीच 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जो बच्चे ग्रेस मार्क्स लेकर आए हैं उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो मेडिकल छात्रों का पक्ष और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात भी सुनी जानी है, और उस बीच नीट धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। और इन सब के बीच ये गुड न्यूज कि जो बच्चे ग्रेस मार्क्स लेकर आए हैं उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो एनटीए ने 1563 नीट परीक्षाओं के ग्रेस मार्क जो है वो हटाया था, और नीट अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड जो है वो रद्द किए जाएंगे, जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले उनकी दोबारा परीक्षा होगी, और नीट धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमसे जुड़ रहे हैं। मनीष, लगातार जो है नीट धांधली मामले को लेकर चर्चा हो रही थी, और इस बीच जो है ये अच्छी खबर अब सुनने को मिल रही है कि जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए हैं उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक याचिका थी जो कि अलग पांडे की थी, जो कि सीईओ है फिजिक्स वाला की, ये उनकी याचिका थी ग्रेस मार्क्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, अधिकतर याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होनी, लेकिन आज इस याचिका पर सुनवाई हुई कि ग्रेस मार्क्स में किस तरह से गड़बड़ी की गई है। उस पर एनटीए ने ये ऑफर दिया कोर्ट को कि ठीक है, हम ग्रेस मार्क्स को वापस लेते हैं, और जितने भी 1563 बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन सब के ग्रेस मार्क्स हम वापस लेते हैं। और देखिए ऑप्शन देते हैं कि ये 1563 बच्चे चाहे तो री एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी री एग्जाम में अपियर होना नहीं चाहता है तो उसे ग्रेस मार्क्स हटाकर जितने उसके नंबर आए हैं उसका उनका जो मार्कशीट है वो दे दी जाएगी। और अगर ये ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे अगर ये अपियर होते हैं री एग्जाम में तो इनके पहले का जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा, और 23 जून को एग्जाम करवा सकता है नीट। आज ही उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
25 जून तक उसका रिजल्ट आ सकता है। इससे होगा क्या कि जो 6 जुलाई से काउंसलिंग की जो प्रोसेस शुरू हो रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी कोर्ट ने ऐसी किसी भी याचिका को फिलहाल मानने से इनकार किया जिसने इस बात की बात कही हो कि आप जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको रोक दे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई याचिकाओं पर कहा है कि हम काउंसलिंग के प्रोसेस को रोकने के मूड में नहीं है, वो जारी चल रही है वैसे चलेगी। लेकिन इससे कम से कम राहत की बात यह है कि 6 जुलाई का जो काउंसलिंग का प्रोसेस था उसके पहले ही ग्रेस मार्क्स वाला इशू कम से कम पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाएगा। हालांकि टेक्निकली अभी भी इसमें ये बात समझने वाली है कि अगर ग्रेस मार्क्स हट जाते हैं तो फाइनल कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे रैंकिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। और जो एक यूजुअल दावा होता था कि अगर आपके मार्क्स 620 से 650 के बीच आए हैं तो आपकी रैंक 10,000 के भीतर होनी चाहिए, जो कि इस ग्रेस मार्क्स की वजह से काफी हद तक 35,000 40,000 तक पहुंच गई थी। तो ग्रेस मार्क्स हटने से फाइनल कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, रैंकिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी देखने वाली बात है। थोड़ी सी टेक्निकल ये बात है, इसे क्लियर समझना होगा अभी। जी मनीष, 23 जून को ये एग्जाम्स होने वाले हैं और इसका रिजल्ट जो है वो 30 जून को जो आ जाएगा, तो लगभग जो है जुलाई से पहले ये साफ हो जाएगा कि रिजल्ट क्या है। और 1563 बच्चे जो हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो क्या ये 1563 बच्चे दोबारा अपीयर करेंगे या इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं देना चाहेंगे परीक्षा दोबारा? एनटीए ने ये चॉइस पूरी तरह से उस छात्र पर छोड़ दी है, उन 1563 बच्चों पर। एक एक बच्चा अपना डिसीजन खुद ले सकता है, अगर वो चाहे तो री एग्जाम में बैठ सकता है और अगर वो री एग्जाम में नहीं बैठता है तो ग्रेस मार्क्स को हटाकर उसने जितने भी मार्क्स एग्जाम में हासिल किए थे वही उनके फाइनल स्कोर मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर वो री एग्जाम में बैठते हैं तो उनके पिछले एग्जाम में जितने भी नंबर आए थे वो सब रद्द माने जाएंगे और नए एग्जाम में जो भी नंबर आएंगे सिर्फ वही माने जाएंगे। ये हर एक इंडिविजुअल छात्र के पास चॉइस दी गई है कि वो चुन सकते हैं कि उन्हें दोबारा बैठना है या फिर बिना कंपनसेटरी मार्क्स यानी कि बिना ग्रेस मार्क्स जो उनके मार्क्स आए थे उसी पर वो आगे बढ़ते हैं। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।